हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेस फूड पैथोलॉजी एंड दिस इज मुकारिब खान। आज हम बात करेंगे एईसी टेस्ट की। एईसी एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट। एईसी टेस्ट क्यों किया जाता है, एईसी टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट कैसे किया जाता है, इन सब के विषय में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं और इसिनोफिल क्या होते हैं। ल्यूकोसाइट हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक खास किस्म के सेल्स हैं। यह सेल्स हमारी बॉडी का बचाव करते हैं किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से। यदि वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो यह सेल उनको अटैक करके खत्म करते हैं। इसिनोफिल एक खास किस्म के ल्यूकोसाइट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एलर्जी और पैरासाइट से बचाते हैं। किन कारण से डॉक्टर इसिनोफिल काउंट करने के लिए कह सकते हैं, यदि डॉक्टर को शक है कि पेशेंट को कोई एलर्जिक बीमारी है जैसे अस्थमा या उसको कोई स्किन की एलर्जी है तो यह टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। यह टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। क्या इस टेस्ट से पहले कोई खास इंस्ट्रक्शन लिया जाता है। नहीं, इस टेस्ट से पहले कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता। सैंपल पेशेंट की सुविधा के अकॉर्डिंग कभी भी लिया जा सकता है। एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट एलर्जिक बीमारियों में बढ़ जाते हैं जैसे अस्थमा या स्किन एलर्जी। इसके अलावा यदि पेशेंट को पैरासिटिक इन्फेक्शन है तब भी इसिनोफिल काउंट बढ़ जाते हैं। कुछ कैंसर जैसे हॉजकिन लिम्फोमा या CML में इसिनोफिल काउंट बढ़ जाते हैं, लेकिन यह बहुत ही रेयर केसेस हैं। इसिनोफिल काउंट कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो इसिनोफिल काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा यदि पेशेंट कोई ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉयड ले रहा हो तब भी इसिनोफिल काउंट कम हो जाते हैं। कुछ एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इनकी वजह से इसिनोफिल काउंट कम हो सकता है।